पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है? तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो मेटल का प्योरिफिकेशन पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन से किया जाता है, ये एक मेथड है। तो यहां पे हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस हम किस मेटल के लिए करते हैं, तो हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस उन मेटल के लिए अप्लाई करते हैं जिन मेटल की इंप्योरिटीज उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है मेटल की तुलना में। तो हम यहां पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में उन मेटल को प्योरीफाई करती हैं जिनकी इंप्योरिटीज की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है उन मेटल से, उन रेस्पेक्टिव मेटल्स से, तो उनको हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस से प्योरीफाई करते हैं। पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस में तीन मेथड आती हैं। एक तो बेसेमराइजेशन होता है, ये आयरन के लिए होता है। पोलिंग मेथड होता है, ये कॉपर के लिए होता है। और क्यूब प्लेसन मेथड होता है, ये सिल्वर के लिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन तो हम बता चुके, फिर भी देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योरिटीज हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द मेटल इटसेल्फ। तो हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस हम वहां अप्लाई करते हैं, उन मेटल के प्योरिफिकेशन में अप्लाई करते हैं जिन मेटल में उपस्थित इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा एफिनिटी शो करती हैं एज कंपेयर टू मेटल। तो इसको यार हम ऐसे कैसे याद रख पाएंगे इसको? तो हम याद रखने का तरीका बता देते हैं। ये आयरन बेस है, आयरन बेस, ये कॉपर पोल है और इस कॉपर पोल पे सिल्वर कप जो है वो रखा हुआ है। तो आयरन बेस पे कॉपर पोल लगाया, उसके ऊपर सिल्वर कप जो है वो रख दिया। तो आयरन बेस मतलब आयरन बेसेमराइजेशन प्रोसेस से प्योरीफाई होगा, कॉपर जो होगा वो पॉलिंग प्रोसेस से प्योरीफाई होगा, एंड सिल्वर जो होगा वो क्यूप्लेशन प्रोसेस से प्योरीफाई होगा। इसका मतलब ये है। तो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन की जो पहली प्रोसेस होती है वो बेसेमराइजेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हम आयरन को प्योरीफाई करते हैं। ये आयरन का प्योरिफिकेशन जो होता है वो कहां किया जाता है? वो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, इम्प्योर आयरन जो है वो डाल देते हैं और एयर को ब्लास्ट कराते हैं। एयर जो होगा वो आयरन की इंप्योरिटीज से रिएक्ट करेगी। तो इंप्योरिटीज कार्बन की इंप्योरिटीज जो होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो CO2 बन के ये बाहर निकल जाएगी। मैग्नीज की इंप्योरिटीज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो MnO बनाएगा, और सिलिका जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऐसा ही ऑटो बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब क्या होगा, क्या ये MnO और SiO2 बाहर निकल जाएंगे? ऐसे तो बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ये हैवी होते हैं। फिर क्या होगा, फिर ये बाहर कैसे निकलेंगे? तो जो मैंगनीज ऑक्साइड है और जो SiO2 बना, ये MnSiO3 बनाते हैं, ये स्लैग बना लेते हैं।
और स्लैग जो होता है वो कैसा होता है, ये लाइटर होता है। ये लाइटर होता है। तो मोल्टन मेटल नीचे ब्लास्ट फर्नेस में और स्लैग जो होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा मोल्टन मेटल के। तो स्लैग को हम ऊपर वाले होल से निकाल लेंगे और मोल्टन मेटल को ब्लास्ट फर्नेस के नीचे वाले होल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे हमारा आयरन जो होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। पायरोमेटलर्जिकल की जो दूसरी प्रोसेस होती है पॉलिंग प्रोसेस होती है। पॉलिंग प्रोसेस हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ये प्रोसेस हम उस मेटल के प्योरिफिकेशन में अप्लाई करते हैं जिस मेटल में उसी के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हो, मतलब उस मेटल में उसी के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो वहां पे हम पॉलिंग प्रोसेस जो होती है वो अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारे पास कॉपर होता है, उसमें CU2O की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, पोलिंग प्रोसेस से जो है वो रिमूव कराएंगे। तो क्या करते हैं, तो मोल्टन कॉपर को हम क्या करते हैं, मोल्टन कॉपर को हम एक फर्नेस में रखते हैं और ग्रीन पोल से, ग्रीन लकड़ी के डंडे से उसको खूब हिलाते हैं। तो ग्रीन जो लकड़ी का डंडा होता है वो सफिशियंट अमाउंट में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। जो कार्बन जो होगा सफिशियंट अमाउंट में जो कार्बन होता है वो CU2O को, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो कॉपर जो होता है वो हमको मिल जाता है। तो ये कार्बन का इसका सोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रीन पोल। ग्रीन लकड़ी जो है उसके डंडे से खूब हिलाते हैं इसके मोल्टन मास को कॉपर के, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज कॉपर ऑक्साइड होती है वो कार्बन से क्या होती है, ऑक्सीडाइज होके निकल जाती है, कॉपर जो होता है हमको मिल जाता है। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पॉलिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। क्यूप्लेशन प्रोसेस में जो है वो सिल्वर मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। तो सिल्वर में जब लेड की इम्प्योरिटीज होती हैं तो हम क्यूप्लेशन प्रोसेस से उसको अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूप्लेशन एक पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो होती है ये बेस्ड होती है कि इसकी इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल। तो लेड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सिल्वर जो है वो रह जाएगा। तो क्या करते हैं, एक क्रूसिबल में हम इम्प्योर सिल्वर को क्या करते हैं, डालते हैं, इम्प्योर सिल्वर मेल्ट हो जाएगा, फिर एयर को क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो जो लेड की इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो लेड जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। तो ये लेड जो है एज अ इम्प्योरिटीज है, ऑक्सीजन बनके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और सिल्वर जो होगा हमारा वो प्योरिफाई हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।